देखता है और जब उन्हीं के कष्ट देखता है तो एक उनके जीवन में एक महिला आती है, पत्रकार होती हैं, फिर वो उनको प्रेरित करती हैं, तो कुछ उनका उनके प्रति स्नेह, फिर आत्मा की आवाज़, और फिर वो शोषक दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति बदलता है, क्रांति लाता है। और वो पिक्चर बहुत अच्छी थी, प्लेटफॉर्म और बड़ा मिलता तो शायद उसकी अप्रोच लंबी इवेंट में है। मैं कहूँगा उसको प्रिजर्व करके रखिए उस पिक्चर को, और वक्त पे अब तो वो ज़माना आ गया है कि ये सब अजय देवगन साहब की पिक्चर है, आमिर खान साहब की पिक्चर है, या साहब सलमान खान साहब की पिक्चर है तो चल जाएगी, अब नहीं है वो ज़माना गया। अब तो कश्मीर फाइल्स भी चलती है, बस लोगों को क्लिक कर जाए कि नहीं ये थीम है, तो अब आप लोगों के लिए अवसर आ गए। अब वो ख़त्म हो गया कि साहब लेगेसी से जाएंगे, सब अमिताभ बच्चन के बेटे हैं साहब, शाहरुख खान साहब के बेटे हैं साहब, तो उनको ही अवसर है, बस अब आपकी प्रतिभा को मौका है। वाह, अब साहब सोशल मीडिया है आपके साथ, करंट टॉपिक हो, कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो, आप लोग प्रतिभाशाली हैं, बस अब उसको सिर्फ आप लोग एक बार संघर्ष भूल जाइए, आप कि आपका संघर्ष उन लोगों से है जो एस्टेब्लिश नेम है, अब आपकी प्रतिभा भूल जाएगी, बस कुछ कैसा यूनिक सोचते रहिए, करते रहिए, क्लिक हो जाएंगे और फिर जनता स्वीकार करेगी। दो मिनट आखिरी लूंगा, क्योंकि विषय मूल ये था कि हम बिहार के बारे में जाने समझे, शायद मैं समझता हूँ सभी मित्र बिहार से हैं, अलग अलग जगह से भी हैं, तो जो लोग बिहार से नहीं हैं या जो भी बिहार से हो जाता है कि हम अपने क्षेत्र को जान पाते हैं, बाकी को जान पाना मुश्किल हो जाता है, पर दूसरा व्यक्ति जो उस राज्य से संबंधित ही ना उस राज्य के बारे में होता है तब हमें मालूम पड़ता है कि वाह मैं उस राज्य का निवासी हूँ जो इतना महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत एक छोटी सी इतिहास आपको बता देता हूँ अपने अनुभव ज्ञान से। बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम सुना, जन्मस्थली तो नहीं है पर उनकी पूरी कर्मभूमि बिहार रही है, और बिहार में ही जिसे बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें, और वहां से ही वो धर्म आज की तारीख में विश्व का दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है, शांति का धर्म, मेडिटेशन की बात करता है, और आपके अंदर गोता लगा के आप कितना बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में ज्ञान दिया है। तो गौतम बुद्ध की नदी रही है, मेरा नाम प्रशांत जैन है पूरा, मैं जैन हूँ। तो हमारे जो तीर्थंकर हैं जिनके जिनका हम पूजन करते हैं, जिनका हम अनुष्ठान करते हैं, वो सबसे 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें 24वें नंबर पे भगवान महावीर होते हैं। तो उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य में एक स्थान है जिसे ईसवी पास पार्श्वनाथ बोलते हैं, वो स्थान जैनों का सबसे पवित्र स्थान है। वहाँ से हमारे ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर भगवान ईश्वर को प्राप्त हुए थे, मतलब ईश्वर की उपलब्धि पर। तो बिहार राज्य में स्थित है सर, जाने का एक बार मुझे अवसर मिला है। तो ये तो आपकी धार्मिकता की बात होते हैं। गंगा नदी ने बिहार को टच किए बिना सागर से मिलना स्वीकार नहीं किया, बोले मैं आऊँगी तो हिमालय से, बिहार से रुके जाऊँगी, बहुत बड़ी बात है, मेरी पवित्रता है और यहाँ बढ़ जाती है। देखिए साहब जब मैं आ गई तो कितना प्रसारित होगी, फैला दी मेरे। नालंदा का विद्यापीठ महान इसी पुनीत धरा पर आकर जन्मी सीता माता, क्या यही जनक के वैभव को लख देखकर देवलोक ललचाता, और क्रांति चेतना लेकर आए कुंवर सिंह से वीर, 80 साल के उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। क्रांति चेतना लेकर आए कुंवर सिंह से वीर, पहले हुए राष्ट्रपति अपने विमल बुद्धि मत धीर, और अब भी कितने सुत हैं अपने, आज भी कितने बेटे हैं। आप यकीन जानिए, जिन जिन लोगों ने सिर्फ बिहार में जाकर काम किया है, उस पवित्र भूमि को छुआ है जहां पर सीता माता पैदा हुई, जहां पर हमारे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, जहां पर हमारे क्या कहते हैं जैन समुदाय महावीर स्वामी जी पैदा हुए, तो उस धरती ने हमेशा लोगों को दिया है, और वहां के लोग बहुत मेहनत कश होते हैं, क्योंकि संघर्ष पैदा होते ही लिख दिया जाता है उनके लाइफ में कि तुमको टकराना है, तुमको अपने लिए एक मुकाम बनाना है, और वो मेहनत करना होगा। तो कीर्ति कलित ललाम, हमारा ये लास्ट वर्ड था बिहार के लिए। मैं गुजारिश करूंगा आज तमाम अपने मेहमानों का कि अब बिहार बदला है,
चमकता बिहार, क्योंकि सारे स्टेट डेवलप हो गए थे। तो बिहार के लिए हम आपसे वादा करते हैं आज स्थापना दिवस पर कि आने वाले समय में एक स्वस्थ बिहार, एक स्वच्छ बिहार के रूप में बेहतर काम करके दिखाएंगे। और अब हम बिहार के ही एक ऐसे लाल को इस मंच पर दावत देता हूं जिन्होंने बिहार के परिदृश्य को बदला है। बिहार उन पर गर्व करता है, बिहार उनको चाहता है और वो बिहार को अपना वक्त देते हैं। जी हाँ, मैं श्री अभय सिन्हा साहब से गुजारिश करूंगा वो प्लीज मंच पर आकर आज इस स्थापना दिवस के लिए, बिहार के लिए, बिहार के बाहर रह रहे जितने भी लोग हैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहें। राजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार वे जगह है जिन्होंने हर गौतम बुद्ध इधर, मतलब डॉक्टर अनिल काशी मुरारका जी जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, जी हाँ सीधा कीजिएगा, हाँ जी जी, तो वो उनके अंदर ये खासियत है और हमारे बीच में सर आ गए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। कमाल का है, एकदम से बिहारी शैली में सर हमारे बीच में आए हैं, दिल से धन्यवाद है। इसका ये अमन श्लोक जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अभिषेक हैं जो अभिनेता हैं, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, और आप आपके लिए धन्यवाद। टीनू वर्मा साहब हैं, ऐसे होगा जो अभी कश्मीर फाइल आई हुई है मूवी, उसी के तरह के आपने पूछ लिया। बिहार आज से मुझे लगता है कि 112 साल पहले और तब से लेकर आज तक बिहार ने एक नया स्वरूप लिया है, और जहां पवित्र गंगा बहती है और वहां के लोगों में वही पवित्रता आप महसूस करेंगे पूरी दुनिया में जो लोग बिहार से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिहार के लोग पढ़ते बहुत हैं, और यही वजह है कि वहाँ के लोग IAS, IPS और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होकर निकले। सबसे अच्छी बात है कि 110 साल के बाद भी बिहार जो है वो अभी भी उतना ही स्वस्थ और मस्त है। लोग वहाँ मेहनत करने में यकीन रखते हैं। हमने कोशिश की है कि उनको शब्दों में ढालें कि मैं बिहार हूँ, देखो आज समीप से मुझको, मैं बिहार हूँ, धरती के वैभव शोभा का मैं श्रृंगार हूँ, गौरव गाता है नत हो इतिहास हमारा, विद्या धर्म और दर्शन का मैं ही बनता रहा सहारा। खुशी की बात यह है कि आज जो शख्स हमारे साथ हैं उन्होंने बिहार को एक गौरवान्वित होने का मौका दिया है। बफ्टा, बिहार फिल्म एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन ने आज बिहार स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम किया, और कई दिनों से लगातार डॉक्टर अनिल मुरारका सर से ये कोशिश की जा रही थी कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को दें, और यकीन जानिए पूरे लोग बहुत खुश हैं कि आज वो बिल्कुल बिहारी परिधान में इस अवार्ड को ग्रहण किए, और उसके बाद बिहार के लिए जो कुछ इन्होंने कहा है वो हर बिहारी के लिए, हर देशवासियों के लिए सुनने और इम्प्लीमेंट करने योग्य है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल काशी मुरारका सर का, जो कि बिहार रत्न से सम्मानित हुए हैं और बफ्टा ने इनको ये सम्मान आज मुंबई में दिया है। सर दिल से धन्यवाद है, मेरा सौभाग्य है। तमाम बिहार के लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि कितना अच्छा लगा इस इवेंट में आके आज आपको। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद रखता है हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं कहता कि हमें स्टेट्स को बांट देना चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे, बट बिहार का जितना वर्चस्व रहा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में वो शायद किसी और स्टेट का नहीं रहा। आपने ठीक फरमाया, जितने आज पढ़ाई का जितना काम है मेजर काम बिहार में ही हो रहा है। IAS ऑफिसर्स देखिए, IPS देखिए, और जितने बड़ी बड़ी पोस्ट हैं आज सब बिहार के लोगों से ही भरी हुई है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा वर्चस्व बिहार का है। आप कहते हैं मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, भाई मैं तो एक सिंपल साधारण आदमी हूँ जो ये मानता है कि जीवन एक मिला है हम सबको, जो कुछ आप कर सको करते चलो। आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो एक जीवन मिला आपको वो भी कम पड़ेगा आपको काम करने के लिए। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, व्हेन यू लेंड अ हैंड टू समवन एज अ हेल्पिंग हैंड,
इट गिव्स यू सच अ पीसफुल फीलिंग विद इन यू. आप वही दोनों हाथ को हाथ जोड़ने के लिए रखो, वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक हाथ बढ़ाने में मिलेगा. ये अटूट सच है. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस. कम फॉरवर्ड. हिंदुस्तान वो देश है जो एक टाइम उसको सोने की चिड़िया कहते थे. वो दिन दूर नहीं जब हम सब एकजुट होकर अगर आगे बढ़ें, हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा. आपके बारे में मेरी पर्सनल राय है कि बिहार रत्न डॉक्टर अनिल काशी मुरारका जी भारतीय सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं. इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं आपको हर बार एक अलग रूप में देखा. आपने भारत को, विविधताओं वाले इस देश को कलरफुल बनाया है. आपने हमेशा कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए दिया है. तो मतलब इतना कुछ कैसे कर लेते हैं डॉक्टर साहब? मैं कोई न्यू करने वाला कुछ, मैं सिर्फ वो एक जरिया हूँ जो शायद कुछ कर पा रहा है जिंदगी में. प्रेरणा स्वरूप तो आप लोग हैं, ये फैक्ट है. आप शायद मीडिया वाले भी इस बात से सहमत होंगे कि अवाम तक अगर कुछ पहुंचाना है, अनिल मुरारका कुछ बोलेगा अवाम वो नहीं सुनेगा, लेकिन जब एक कलाकार बोलता है वो अवाम तक ज़रूर पहुंचता है. ये फैक्ट है. यानी आप गांठ बांध के चलो. आपने एक पिक्चर में काम किया नमस्ते बिहार, वो एक बड़ा मैसेज दे रही है अवाम को. विद्या धर्म दर्शन और मोक्ष का बिहार, नमस्ते बिहार जी. इट्स दैट अ फीलिंग. दो चीज़ों का एक खास मिलन है अवाम तक पहुंचाने के लिए. एक बॉलीवुड, दूसरा ऊपर वाले का खौफ. ये चीज आप जोड़ दो, देखिए अवाम कैसे जागरूक होता है. कोरोना काल ने तो बॉलीवुड को भी हिला दिया था. बिल्कुल बिल्कुल. और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट मैं आप, मुझे पता है कि आप नहीं लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई है. कोई हरा भरा अगर पेड़ है, कोई दरख्त अगर बहुत खूबसूरत है, उसका जो रूट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो आप देश की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए आप एक रूट का काम कर रहे हैं. ये मतलब ये सोच कैसे डेवलप हुआ डॉक्टर साहब? मतलब ये हमें भी सीखना है आपसे. मैंने कहा दादा, द रूट्स आर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आप मेरे रूट्स की बात करें, मैंने भी कुछ मेरे पूर्वजों से ही सीखा है. मुझे बड़ा गर्व होता जब मैं कहता हूँ मेरे दादाजी लेट चिरंजीलाल मुरारका जी, वो खुद एक क्रांतिकारी रहे. उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब, भगत सिंह जी के साथ काम किया था उन्होंने. वो जड़ें यही हैं, वहीं से वो जड़ें मजबूत होती है. मैं वही चीज़ों को कोशिश करके आगे लेके चल रहा हूँ. उनसे पापा ने सीखा और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ लेके बढ़ूँ आगे. शायद आने वाली जनरेशन मेरी, मेरा बेटा सिद्धांत इस चीज़ को लेके फिर आगे बढ़ेगा. यस, आई लव बिहार. आज बिहार स्थापना दिवस है. बिहार ने 110 साल पूरे किए हैं. और बिहार से बाहर जो लोग रहकर काम कर रहे हैं, जो लोग मुंबई में हैं, जो दिल्ली में हैं, जो इंडिया से बाहर हैं, उन तमाम बिहारवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुखद क्षण है, जहां पर हम सब लोग अपने बिहार को कह रहे हैं आई लव बिहार. एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे अगर कश्मीर फाइल आया, बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री का भी पता चला, नालंदा जैसा कि आईएएस आईपीएस के बारे में बताया सर, नालंदा को जो पहला यूनिवर्सिटी है देश का, जहाँ तमाम विदेशों के लोग आकर पढ़ते थे, कैसा लगता है वो आज के डेट में? कितना प्राउड फील कराता है नालंदा? शायद आपका कहना एक लाइन में मैं जो समझ पाया हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं है जब इस पर भी कोई ना कोई फिल्म बन जाएगी. तो ही वो आवाम तक पहुँचेगी. आप मेरे माध्यम से कुछ पहुँचाने की कोशिश करोगे, वो कुछ जगह पहुँचेगी, बाद में वो फिजल आउट हो जाएगा. पहला विश्वविद्यालय वही थे ना? बिल्कुल बिल्कुल. वन ऑफ दी मतलब फर्स्ट फ्यू मॉडल्स इन द वर्ल्ड, मैं खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नालंदा. और एक बार बिहार को अगर हम जानना चाहते हैं तो यही मौका है कि अब माहौल भी ठीक हो गया, थोड़ा कोरोना का प्रभाव बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है. ऐसे में अगर आप टूर का प्लानिंग करते हैं तो एक बार बिहार में आइए ना. आज मैं कहते हैं ना, योगी जी भी तो कहते हैं जी कि आप बिहार में आगे बढ़े, सरकार पूरी आपके साथ है. यस, बिहार वाकई बहुत खूबसूरत है. उसका जर्रा जर्रा वहाँ का खान पान, अगर आप वहाँ का लिट्टी चोखा, सत्तू का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप यकीन जानिए उस पानी और उस मिट्टी में आपको आना होगा. बहुत ही उर्वरक है. मैं बीइंग ए बिहारी पर्सन, मैं ज़रूर तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि बिहार में सिर्फ नालंदा ही नहीं, वहाँ पर आपको अशोक स्तंभ मिलेगा. वहाँ अगर आप भागलपुर चले जाते हैं तो सिल्क
को आप नजदीक से देखेंगे, दरभंगा की तरफ निकलते हैं तो मधुबनी पेंटिंग आपको बहुत प्रभावित करेगा। शेरशाह सूरी साहब का मकबरा बहुत शानदार है। पाटलिपुत्र जो पटना है वहां आकर आपको लगेगा कि वाकई आप देश के बाहर घूम रहे हैं। बिहार अब बदल गया है, चमकता बिहार है। तो इस स्थापना दिवस पर मैं तमाम देशवासियों से और वर्ल्ड के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज ज्वाइन अस, बिहार आइए, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ के लोगों को ये यकीन है कि अतिथि देवो भव, वो मेहमानों का स्वागत करना जानते हैं, वो इज्जत देना जानते हैं। और यही वजह है कि आज जो सम्मान हमें मिला है मुरारका सर की तरफ से, जो बिहार रत्न आज आपको मिला है, ये हम सब के लिए एक माइलस्टोन है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा, मैंने बताया नहीं आपको, और परोक्ष रूप में आप बिहार से बहुत रूटली कनेक्टेड हैं, यही वजह है कि हम लोग आज इस मंच पर हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ बिहार के लिए बेहतर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नमस्ते बिहार मूवी जब आई थी तो उस वक्त में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सजेशन देकर फिल्म कैसे खूबसूरत बने, आपने कोशिश की और मेहनत रंग लाई। यही वजह है कि नमस्ते बिहार को आप सब लोग यूट्यूब पर ज़रूर देखें, ये हिंदी फिल्म है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बिहार को जानने का मौका मिलेगा। एक बार दोबारा बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सर।